नमस्कार, मैं हूं उत्तम पांडे और आप देख रहे हैं एईजेड न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बाराबंकी से, जहां पर पुलिस ने शराब माफियाओं के ऊपर नकेल कसनी शुरू कर दी है। जहां पर एक बार फिर शराब माफियाओं के ऊपर नकेल कसते हुए बाराबंकी पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत लगभग 94,78,000 की संपत्ति को कुर्क किया है। देखिए रिपोर्ट। जनपद बाराबंकी में शराब माफियाओं की 94,78,441 रुपए की धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट में संपत्ति को कुर्क किया है। आपको बता दें कि अभियुक्त प्रदीप जायसवाल व नवीन जायसवाल पुत्रगण राम कुमार निवासी पूरे मितई थाना हैदरगढ़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है। वहीं दूसरी अभियुक्त रामाकांत तिवारी उर्फ रामजी पुत्र शिवशंकर निवासी पूरे रुद्र मिश्रान चौधरी थाना हैदरगढ़ बाराबंकी की संपत्ति को भी कुर्क किया गया है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि बाराबंकी पुलिस और प्रशासन द्वारा जनपद के एक बड़े शराब माफिया जिसका नाम नवीन जायसवाल है और उसके भाई प्रदीप जायसवाल और अन्य के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें पुलिस और प्रशासन द्वारा उनकी लगभग 1 करोड़ रुपए की संपत्ति, जिसमें कि उनका मकान, उनका गोडाउन, उनकी एक कार है, उसको आज कुर्क किया गया है। ये संपत्ति इस माफिया ने अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त होकर ये कमाई है, जिसको पुलिस और प्रशासन द्वारा आज कुर्क किया गया है। और ये बड़ा स्पष्ट संदेश बाराबंकी पुलिस ने पहले भी जनपद के माफियाओं को और अपराधियों को दिया था कि यदि अपराध कारित करके धन संपत्ति को अर्जित किया जाएगा तो जनपद बाराबंकी पुलिस और प्रशासन इसी प्रकार से माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगी और आगामी विधानसभा चुनाव में भी इस कार्रवाई का अच्छा असर पड़ेगा, ऐसा हमें लगता है। पुलिस अधीक्षक अनुराग बस ने कहा कि शराब माफियाओं के ऊपर कार्रवाई अनवरत जारी रहेगी। द्वारा जो अवैध शराब के कारोबार से अवैध धन अर्जित कर बेनामी अचल संपत्ति हैदरगढ़ कोठी मार्ग घाटा संख्या 223 में बना हुआ गोदाम महरहाता एवं घाटा संख्या 215 में बना हुआ मकान और घर, मुकदमा अपराध संख्या 141/2020 धारा 3 उपधारा 1 के तहत कुर्क किया जा रहा है।